जॉब्स का कोई एकदम डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और कोई खास उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन एमएसएमई की जो रियायत दी है उन्होंने इनकम टैक्स में, जो कि 25% कर दिया है, उससे जॉब में जरूर फर्क पड़ेगा। टैक्सेशन, टैक्सेशन में देखिए आपने, जब उसने कुछ कुछ बढ़ाया नहीं, कुछ घटाया नहीं, सीनियर सिटीजन को एग्जेम्पशन दी, उनसे उनको फ़ायदा होगा, और जो कैपिटल गेन जो दिया है, मैंने जैसे कहा पहले कि उन्होंने कहा कि 10% टैक्स लगेगा, लेकिन किस पर लगेगा, जो कि 31 जनवरी की जो प्राइस थी या उसके पहले जो सबसे ज़्यादा थी उसके ऊपर बेचेंगे तो लगेगा, तो मेरे ख्याल से कोई खास असर नहीं होगा उसका। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कोई खास नहीं आया उनका, देखिएगा तो वो जरा रह गया उनके बजट में, कुछ करना चाहिए था उनको, सही बोल रहे हैं आप। कंसर्न्स, हाँ जी, चिंताएं, कंसर्न्स, नहीं चिंता, मेरे कोई खास चिंता नहीं है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, इस साल बोला उन्होंने कहा 3.5%, विच इज़ वेरी गुड। करंट अकाउंट डेफिसिट का उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आपने मार्क किया, करंट अकाउंट डेफिसिट सर बढ़ने वाला है, वो थोड़ी चिंता की बात है, वो प्रॉब्लम है। ग्रोथ की उन्होंने कहा कि सेकेंड हाफ में 7% से ऊपर ग्रोथ होगा, तो बहुत बढ़िया है, और IMF का है कि 7.5% नेक्स्ट ईयर होगा, तो उसमें भी चिंता नहीं है मेरे ख्याल से, इन्फ्लेशन कंट्रोल में ही, तो मेरे ख्याल से कोई कोई चिंता की बात नहीं है।